हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज आपसे बात करूंगी आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए और अंदर पल रहे बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो, उसका विकास अच्छा हो, उसके लिए आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक गर्भ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले गर्भ गुरु को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोस में लाती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहला, आपको अपना ध्यान किस तरह से रखना है, उसके अंदर पांच चीज़ें इंक्लूड होगी। और दूसरा, आपको अपने गायनिक के पास क्या एक्सपेक्ट करना है, यानी कि कितनी बार सोनोग्राफी होनी चाहिए, कौन से महीने में कितनी बार आपको विजिट करनी चाहिए, बच्चे का ग्रोथ अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं, वो आप गायनिक के पास कैसे जान पाएंगे, सोनोग्राफी के थ्रू कैसे जान पाएंगे, आपको कितनी बार सोनोग्राफी करवानी चाहिए, और बच्चे को कोई भी डिजीज़ ना हो, डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए और कौन से टाइम पर लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम वीडियो में आखिर तक करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपको अपना ध्यान किस तरह से रखना है। उसमें सबसे पहला स्टेप है, आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, यानी कि आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है। देखो, प्रेगनेंसी पहले आप चाहे जो भी खा रहे होंगे, जितनी भी स्लीप ले रहे होंगे या नहीं, यानी कि नींद पूरी होती या नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है, आपको अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से रखना है, क्योंकि जिस तरह से आप रहेंगे अंदर, आपका बच्चे का ग्रोथ उस बात पे डिपेंड है। तो उसके लिए आपको पांच चीज़ें करनी है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है, आपको सारे विटामिन्स जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए होते हैं वो अच्छे से लेने हैं। देखो, विटामिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं, बच्चे के ऑर्गन ग्रोथ के लिए, उसका शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से हो, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो, उसके लिए सारे विटामिन्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो उसमें पहले 3 महीने में फोलिक एसिड अच्छे से लेनी है आपको। यदि आपको पीसीओडी वगैरह कोई तकलीफ हो तो आपको प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए भी गोलियां दी जाएगी, तो वो सारी गोली आपको अच्छे से खानी है। 3 महीने खत्म होने के बाद 4th महीने से आपको आयरन, कैल्शियम, ये सारे विटामिन देंगे। बच्चे के इंटेलिजेंस हो, बच्चा आपके आगे चल के उसका ब्रेन पावर डेवलप हो, उसके लिए आपको DHA देंगे। तो ये सारे विटामिन आपको अच्छे से लेने हैं। इसके अलावा भी आपको विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, ये सारे विटामिन भी आपकी बॉडी में सफिशियंट अमाउंट में होने चाहिए। तो ये सारे विटामिन्स आपको हर महीने चेंज होते रहेंगे। तो जो भी विटामिन आपको प्रिस्क्राइब किया गया हो वो अच्छे से लेनी है। कई बार लेडीज़ ये बोलती है कि मुझे दवाई अच्छी नहीं लगती, या फिर मैं सब खाने में से ले लेती हूँ, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये करती हूँ। तो कोई भी एक्सक्यूज़ यहाँ पर आप नहीं बनाए रखना। विटामिन्स आपके लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी और बच्चे के हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन टाइम पे लेते रहिए। ये सबसे पहला स्टेप है आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है। दूसरा स्टेप, आपको अच्छे से डाइट फॉलो करना है, यानी कि आपके डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए और आपको सारे मल्टी मिनरल्स भी मिलते रहे। तो बैलेंस्ड डाइट आपको लेना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जिससे आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी हो और अंदर पल रहे बच्चे का विकास भी अच्छा हो। तीसरी चीज़, आपको एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो पूरे दिन आराम ही करना है। एक्सरसाइज अपने रूटीन में आपको बनाए रखनी है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन रहे, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी आगे चल के ज़्यादा हो और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छे से बना रहेगा। तो बच्चे का दिमागी विकास भी अच्छा होगा, उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, आपको भी कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे, जैसे कि BP बढ़ जाना, वेरिकोसिटी, नसें फूल जाना, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी यदि आप अच्छे से एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो एक्सरसाइज आपको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए करनी है, जिस तरह से आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करे। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी जो आपको थका देने वाली हो, जो आपकी बॉडी बेयर ना कर पाए, या आप थक जाए तो भी करनी है, डेली करनी ऐसे नहीं। जब आपकी बॉडी आपको साथ दे, आपकी जितनी भी कैपेसिटी हो उतनी एक्सरसाइज आपको करनी है। नेक्स्ट थिंग, आपको आपकी बैड हैबिट से दूर रहना है, यानी कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, कभी कभार भी नहीं, अल्कोहल को ना बोलना है। टोबैको किसी भी फॉर्म में आप लेते हो, सिगरेट पीते हो या फिर आप ओरली लेते हो, टोबैको नहीं लेना है। ज़्यादा मात्रा में आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, डेली के 2 कप आप पी सकते हैं, 2 कप से ज़्यादा चाय कॉफ़ी आपको नहीं पीनी है। तो ये सारी बैड हैबिट से जितना दूर हो सको उतना आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी।
और पांचवी चीज़ आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, मेंटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, तो जो इमोशंस के फ्लेयर अप होते रहते हैं, आपकी बॉडी के जो चेंजेस होते रहते हैं, उसके चलते कई सारी लेडीज़ को डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा सलाह देते होंगे, ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो इन सब को लेकर एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उसको। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी पर साइड इफेक्ट आ सकता है। यदि आप चाहते हैं आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे तो आपको स्ट्रेस को ना बोलना है। तो ये पाँच चीज़ें आपके तरफ से करनी है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, आपको गायनेक के पास जाके क्या करना है, गायनेक विजिट क्यों ज़रूरी है। कई बार लोग ये बोलते हैं कि 3 महीने तक वो गायनेक को विजिट ही नहीं करते हैं, जैसे ही 3 महीने ख़त्म होते हैं उसके बाद जाके वो विजिट करते हैं। और कई बार ये भी लोग मुझे पूछते हैं कि 3 महीने तक तो बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है तो वहाँ पर मेडिसिन लेना ज़रूरी नहीं है, तो गायनेक के पास क्यों जाना। तो देखो, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद जैसे ही आपकी यूपीटी पॉजिटिव आती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको 2 लाइन दिखाई दे, तुरंत ही आपको गायनेक को दिखाना चाहिए, ये देखने के लिए कि आपका बच्चा आपके यूट्रस में तो है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, नली में तो नहीं फंस गया है बच्चा। तो पहले ही आपको प्रेगनेंसी जैसे कन्फर्म हो, पहली सोनोग्राफी आपकी तब आएगी। उसके बाद हर महीने एक सोनोग्राफी ज़रूरी है, बच्चे का विकास अच्छा है या नहीं, उसकी हार्ट बीट, उसकी धड़कन अच्छी या नहीं, उसके किसी भी ऑर्गन में डिफेक्ट है या नहीं, उन सब के लिए सोनोग्राफी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले 7 महीने हर महीने आपकी सोनोग्राफी आएगी। जैसे ही आपका 7वां महीना हो उसके बाद हर 15 दिन पे आपको गायनेक को दिखाना है, हर 15 दिन पे आपकी सोनोग्राफी होगी, और लास्ट के मंथ में हर वीक में हर 7 दिन में आपको एक बार गायनेक को मिलना है, एक बार आपको उसको विजिट करना है, उसके वहाँ पर चेकअप कराना है, सोनोग्राफी करानी है। तो आपको गायनेक विजिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इतनी बार सोनोग्राफी करानी ही चाहिए। वहाँ पर आप बच्चे का ग्रोथ अच्छे से देख पाएंगे, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो आपको उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप मिल जाएंगे, बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा यदि अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो। दूसरा, कई बार डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया हो, आपकी जब मेली होती है बच्चे को ग्रोथ के लिए जो प्लेसेंटा होता है वो यदि नीचे आ जाता है तो आपको बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। तो वहाँ पर भी लोग ये बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है बेड रेस्ट करना, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, यदि आप काम करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि प्लेसेंटा प्रीविया है, आपको बीपी की तकलीफ है या फिर कोई और भी डिजीज़ है जहाँ पर डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है, तो वो करना ही चाहिए। जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं वैसे फॉलो करेंगे तो ही आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रह पाएगी। तीसरा, यदि आप डॉक्टर के पास अच्छे से जाते होंगे तो वहाँ पर आपको वैक्सीन सब दी जाएगी जिससे बच्चे को आगे चल के कोई भी डिजीज़ का सामना ना करना पड़े। उसके लिए सबसे मेन वैक्सीन जो है वो टिटनस, टिटनस यानी कि धनुर की वैक्सीन। टिटनस की वैक्सीन आपको 3 महीने ख़त्म होने पर एक दी जाएगी और 4वें महीने ख़त्म होने पर दूसरी, 2 टिटनस की वैक्सीन आएगी। और लास्ट में यदि आपको फ्लू की सीज़न आती है तो फ्लू की वैक्सीन भी देते हैं डॉक्टर। एक और, बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए, उसके जो फेफड़े होते हैं उसको हेल्दी रखने के लिए एंड में डॉक्टर आपको स्टीरॉयड की वैक्सीन देंगे। तो ये सारी वैक्सीन आपको टाइम टू टाइम लेनी है जिससे आपका बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा हो, उसको कोई भी डिजीज़ ना हो। तो ये सारी वैक्सीन के लिए भी आपको गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए और जो टाइम पर जो वैक्सीन सजेस्ट करे वो सारी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। और ये जो मैंने बोली हर महीने करनी है फिर 15 दिन पे, उतनी सारी विजिट तो आपको गायनेक के साथ करनी है, लेकिन जब भी बुखार आए या कोई भी आपके बॉडी में डिजीज कंडीशन हो जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मुझे दवाई की ज़रूरत है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन आप नहीं ले सकते। तो उस टाइम पे यदि आप गायनेक को कंसल्ट करेंगे, अच्छे से वहाँ पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी के दौरान ले सकती है, आपको डिजीज़ है जो आपको परेशानी है वो सहन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस टाइम पर भी डॉक्टर की विजिट कीजिए और आपकी जो भी बीमारी है उसकी गायनेक को दिखाने के बाद ही मेडिसिन लीजिए। दूसरी एक बात, लास्ट के टाइम पे आप अपने डॉक्टर के साथ ये भी बात कर लीजिए कि जब बच्चे की डिलीवरी हो तो बच्चे को तुरंत ही कोई पीडियाट्रिशियन को दिखाया जाए, उसके लिए जहाँ पर डिलीवरी रूम है वहाँ पर ही डॉक्टर आएंगे, या फिर आपको उस डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा उसकी हॉस्पिटल में, तो वो सब चीज़ें भी आप कर लीजिएगा ताकि जैसे ही बच्चा बाहर आए
उसको डायरेक्ट पीडियाट्रिशियन एग्जामिन कर ले, बच्चे के जो डॉक्टर वो एग्जामिन कर ले, तो कोई भी डिफिकल्टी ना आए, बच्चे का ग्रोथ आगे भी अच्छा बने रहे, उसके लिए पीडियाट्रिशियन के साथ भी एक विजिट बहुत ही ज़रूरी है, जैसे उसका बर्थ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है अपनी प्रेगनेंसी हेल्दी रखने के लिए, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से करने के लिए। इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि और लोगों की प्रेगनेंसी भी हेल्दी रखने में आप मेरी हेल्प करेंगे। और आप फ्रेंड अभी मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर भी फॉलो कर दीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गर्भ गुरु को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय।